हाँ जी बाबा, इलाहाबाद में तीन नदियों का संगम दिखाते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियाँ कहाँ कहाँ निकली? संगम है इलाहाबाद में, अंग्रेजी में कहा जाता है इलाहाबाद, किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। जहां तीनों नदियों का संगम होता है, पहले इलाहाबाद है या पहले बनारस है? पहले संगम होता है या पहले ज्ञान का रस बनता है? है, पहले संगम होता है, बाद में बनारस बनता है। संगम होता है तो संगम होने के बाद नदी का नाम क्या पड़ जाता है? है, तीन नदियों का संगम होता है, संगम होने के बाद नदी का नाम क्या पड़ जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है, परंतु वो नदी आगे बढ़ती है तो त्रिवेणी कही जाती है या सिर्फ गंगा कही जाती है? क्या कहते हैं? है, गंगा ही कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि गंगा में यमुना और सरस्वती दोनों ने अपने को तिरोहित कर दिया। जो बाद में गंगा सागर का मेला कहा जाता है, ये तीनों ही नदियां इनका जन्म आगे पीछे होता है या एक साथ होता है? है, अरे आगे, आगे पीछे होता है। पहले पश्चिम में यमुना नदी है, जिसका उद्गम स्थान यमुनोत्री है। बाद में गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। यमुना जहां से उतरी वो स्थान यमुनोत्री, और गंगा जहां से उतरी वो गंगोत्री, और दोनों के बीच में है एक गुप्त नदी,
याद में भी नहीं है और अंत में भी नहीं रहती। जैसे मम्मा को दिखाया, मम्मा सन 36 में आई थी या बाद में आई? बाद में आई और पहले ही चली गई। ऐसे ही एडवांस की बीज रूप आत्माओं में सरस्वती नदी भी है। गंगा अंत में निकलती है, अंत में प्रत्यक्ष होती है। यमुना पहले प्रत्यक्ष होती है। यमुना को सूर्य पुत्री कहा जाता है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ, और ज्ञान यमुना का उदय हो गया। बाद में सरस्वती आती है। सरस्वती का दूसरा नाम क्या है? हाँ? अरे जगदम्बा। बेसिक में भी नामधारी थी, जो बेसिक में नामधारी सरस्वती थी, जगदम्बा थी, वो उसका ओरिजिनल टाइटल था या बाद में नाम रखा गया? बाद में नाम रखा गया है। जैसे बाबा ने बोला इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, इसका मतलब इनके भी कोई मम्मा बाबा थे जो उनको डायरेक्शन देते थे, टीचर बन करके बैठते थे। इसे साबित हुआ कि बेसिक में जो आधार मूर्त गंगा यमुना सरस्वती थी, उन आधार मूर्त जड़ों की कोई बीज रूप आत्माएं भी यज्ञ के आदि में थी, जो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा यज्ञ में आती हैं और उसी क्रम से पार्ट बजाती हैं। निकलती तो तीनों ही नदियां हिमालय से हैं। परंतु जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, प्रत्यक्ष रूप हिमालय से धारण करती है, वास्तव में उनका जल कहां से आता है? सागर से आता है। तो ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा है, जिसको हम बाबा कहते हैं, वो सिर्फ निराकार है या सिर्फ साकार है? या निराकार साकार दोनों का मेल है?
निराकार साकार दोनों का मेल है। यज्ञ के एकदम आदि में भी वो था, आदि के जन्म में। और वो ही आत्माएं दोबारा जन्म लेकर के आती हैं। एडवांस में तो ज्ञान सागर भी है, ज्ञान यमुना भी है, ज्ञान सरस्वती भी है और ज्ञान गंगा भी है। परंतु प्रत्यक्षता सागर से होती है या हिमालय से होती है? सागर से होती है प्रत्यक्षता, हिमालय से प्रत्यक्षता होती है। तो हिमालय कौन है? जिसे शास्त्रों में धर्मराज कहा गया है, युधिष्ठिर कहा गया है, युद्ध भूमि में स्थिर रहने वाला है। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, भले स्थूल चोला छूट जाता है तो भी कार्य संपन्न करके वापस जाना है या बीच में चला जाता है? संपन्न करके जाता है। तो युद्ध स्थिर कहो या हिमालय की तरह अचल कहो, अटल अडोल कहो, परंतु जहां से गंगा यमुना नदियां निकलती हैं, उस स्थान में सदाकाल बर्फ जमी रहती है। बर्फ को हिम कहा जाता है, आलय को घर कहा जाता है। वो बर्फ का घर है, अर्थात बर्फ चलता हुआ पानी होता है या निश्चल को बर्फ कहा जाता है? तो ब्रह्मा हिमालय नाम क्यों दिया गया? जो पार्वती का बाप कहा जाता है, बाबा की बुद्धि में ज्ञान जल जमा ही रह गया। ज्ञान जल चलता हुआ नहीं है, हिमालय की बुद्धि में ज्ञान जल जाम पड़ा हुआ रहता है। इसलिए नाम हिमालय है। तो चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, तीनों का उद्गम कहां से है? हिमालय से है। और लौकिक जो पढ़ाई है मगर जितना कारोबार चलता है बाबा का, वो बिना पढ़े कैसे चलेगा? लौकिक का कारोबार, पारलौकिक का कारोबार
तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है अभी। लौकिक पढ़ाई लौकिक धंधों के लिए है या अलौकिक धंधों के लिए है? लौकिक पढ़ाई किस लिए पढ़ते हैं? लौकिक धंधे करने के लिए। और बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, तो झूठी बात कहते हैं या सच्ची बात कहते हैं? है विनाश जो सामने खड़ा हुआ है, उस विनाश में सब लौकिक धंधे खलास हो जाने वाले हैं या चलते रहेंगे? है बाबा तो कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। इस ईश्वरीय धंधे में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, तो कौन सा धंधा करना चाहिए? है ईश्वरीय धंधा करना चाहिए ना। दुनियावी जो भी धंधे हैं वो सब आसुरी धंधे हैं। चार पांच लैंग्वेज आती है तो जब तक वो पढ़ेंगी नहीं तो इस तरह की लैंग्वेज कैसे आएगी? पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। माना बाबा के यज्ञ में पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती डागली पढ़ाई पढ़ाई जाती है या बाबा के यज्ञ में गॉडली पढ़ाई पढ़ाई जाती है? दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उसमें बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं, को एजुकेशन है या उनको अलग अलग रख करके पढ़ाया जाता है? है बच्चियों की सेफ्टी की जाती है क्या? नहीं की जाती है, इसलिए वो डॉगली पढ़ाई है। और बाबा के स्कूल में है बच्चियों की सेफ्टी की जाती है, इसलिए गॉडली पढ़ाई है। अब डॉगली पढ़ाई पढ़ेंगे जिसका लक्ष्य है नौकरी करना, दुनियावी धंधा करना, तो जो दुनियावी धंधा है वो कन्याएं करेंगी तो उसमें डॉगली माना कुत्ता कुतियों का वाइब्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? ऑफिसेस खुले हुए हैं, बाजू में कुमार बैठ करके कार्य कर रहा है, वहीं बाजू में कुमारी बैठी हुई है, वाइब्रेशन डॉगली बनेंगे या गॉडली बनेंगे? तो जो काम होगा वो काम सफल होगा यह बुद्धि बिखरती रहेगी? है बुद्धि घड़ी घड़ी बिखरती रहेगी, वो दुनियावी धंधे सफल होने वाले नहीं है और देखने में भी आता है। जो सच्चाई से दुनियावी धंधे करते हैं वो सफल हो रहे हैं या मायावी रूप धारण करके धंधे करते हैं वो सफल हो रहे हैं? बाबा दुनिया में मायावी मायावी धंधे ज्यादा मायावी धंधे जो बढ़ रहे हैं
वो धंधे सफल हो रहे हैं या विफल हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। दुनिया के धंधे खास भारतवर्ष में सफल हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? क्या कारण है फेल होने का? एकाग्रता फेल होने का कारण होती है या व्यग्रता का फेल होने का कारण होती है? है? व्यग्रता से फेल होते हैं और एकाग्रता से सभी काम दुनिया के सफल होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया भी सब धंधे असफल होते जाएंगे, घाटा ही घाटा पड़ता जाएगा। और खास करके बाबा के जो बच्चे बनते हैं, भोलेनाथ के भोले बच्चे, उनको तो खास घाटा पड़ेगा। दुनिया भी जो तिकड़म वाले हैं, उनके धंधे तो फिर भी सफल हो रहे हैं। वो तिकड़म वाले बाप के बच्चे बनते हैं या भोले वाले बाप के बच्चे बनते हैं? जो भोले वाले हैं वो ही बाप के बच्चे बनते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो अब टाइम नहीं है दुनियावी धंधों में मस्त होने का, जबकि दुनियावी धंधों के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा है। माया रावण गारंटी देता है कि दुनियावी धंधे करने वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, गारंटी देता है। और बाप गारंटी देता है कि मेरे बच्चे, अर्थात जैसे मैं विश्व का सेवाधारी बनकर आता हूं, ओबीडेंट सर्वेंट बनकर के आता हूं, मेरी सेवा करने वाले, ईश्वरी धंधा करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। इतनी गारंटी मिलने के बावजूद भी देखो कैसे प्रश्न करते हैं कि दुनियावी धंधे किए बगैर कैसे चलेगी जिंदगी। जबकि सामने देखते हैं कि ढेर के ढेर बच्चे दुनियावी धंधा छोड़ के बैठे हैं। बाप के जो बच्चे हैं, जो ईश्वरीय कारखाने में लगे हुए हैं, वो दुनियावी धंधा कर रहे हैं या ईश्वरीय धंधा करते हैं? पेट का धंधा करते हैं या बुद्ध रूपी पेट का धंधा करते हैं? तो भूख मर रहे हैं क्या? है? हाँ, अगर झूठे बच्चे हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बच्चे नहीं हैं, कहते कुछ हैं दुनिया के सामने और करते कुछ हैं, तो उनकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो असली बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए गारंटी है। आज ही सारे धंधे छोड़ दें और ईश्वरीय सेवा में लग जाएं। कोई दिन ऐसा आएगा जो वो भूख मरे? आएगा?
नहीं आ सकता। बाप खुद सैंपल बनकर के आता है। इस बात का उदाहरण बनकर के आता है। पहले तो बाप भूख मरे, फिर बच्चे भूख मरे। और तो बाबा, ये अंतर्यामी का ज्ञान किसका है? मुझे बिंदी बिंदी तो कोई अस्तित्व नहीं बिंदी का। जब तक है बिंदी, बिंदी जो है जब तक साकार में ना आए तब तक अंतर्यामी जो है वो किसका ज्ञान है? बिंदी अंतर रहती है या बाहर रहती है? मेरे मन में बिंदी अंतर है या बाहर है? तो अंतर है तो अंतर्यामी है। जो बाहर है वो बहिर्यामी है। जो बाहर से देखने में आता है वो बहिर्यामी, और जो अंदर से देखने में नहीं आता है वो अंतर्यामी। बहिर्यामी है इसलिए तो बोला है कि पोता मेल लिख करके देना है। साकार तो पोता मेल मान, नहीं तो साकार को पता कैसे चलेगा? तो अंदर की बात कैसे जान जाते बाबा? कभी ऐसा होता है कि हो जाता है कोई काम अंतर्यामी है? बाहर की इंद्रियों से ही जाना जाता है। जो बाहर की इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी किसी की ज्यादा एकाग्र हैं और किसी की कम एकाग्र हैं। मन बुद्धि भी ज्यादा एकाग्र है तो ज्यादा अंतर्यामी बनेगी या सिर्फ बहिर्यामी बनेगी? एकाग्रता की बात है और ये एकाग्रता प्रैक्टिस की बात है। और माता एक बार लेकिन नहीं तो पोता में लिख कैसे देगी? माता एक बार लेकिन नहीं तो पोता में लिख कैसे देगी? तो पढ़ लिख लें, क्या मुसीबत आ गई? लेकिन बाबा आपने मना किया है ना लोगों से? है क्या? आपने पढ़ाई मना किया है? पढ़ाई मना किया है? अभी बताया बाबा के घर में पढ़ाई पढ़ाई जाती कि नहीं? जैसे बाबा मुरली में हिंदी इंग्लिश दोनों वाक्यों का प्रयोग किया गया तो क्या हुआ? हिंदी इंग्लिश ना पढ़ेंगे तो कैसे जान पाएंगे? अरे तो हिंदी इंग्लिश बाबा के स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती क्या? स्वर व्यंजन उसमें स्वर व्यंजन नहीं पढ़ाए जाते? अरे बाबा के स्कूल में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है। और बाबा मुरली में आया है सतयुग आदि में बहुत थोड़े रहेंगे। बहुत थोड़े रहेंगे। थोड़े थोड़े रहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही रहेंगे सतयुग आदि में। तो बाबा जैसे आदि शुरू होता आठ से शुरू हुआ और फिर 108 भी तो आती है तो वो उसमें सब धर्मों के बीच आ गए। तो 108 आदमी आएंगे या जब माला पूरी बन जाएगी तब आएंगे? पूरी माला अंत में बनेगी या आठ के आदमी ही बन जाएगी? है वो पारिवारिक पहली इकाई कोई तो होगी जहां से एकदम सतयुग का आदि होगा, और वो पारिवारिक इकाई 100% संपन्न होगी या कुछ परसेंटेज असंपन्नता का भी होगा? 100% संपन्न होगी तब ही कहा जाएगा
ऐसी पारिवारिक इकाई के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का, जिस पारिवारिक इकाई में एक भी भांति ऐसा नहीं होगा जो धर्मराज की है सजाएं खाने वाला हो। बाद में जो आएंगे वो नंबर वार सजाएं खाएंगे या नहीं खाएंगे है। बाबा जब ये कहा गया कि झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, तो ये सब चीज की फिर कोई आप सच्चाई नहीं है। झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, सब झूठा ही है। तो ये सब चीज के फंदे में पड़ने की क्या जरूरत बाबा? तो काय के लिए फंदे में पड़ रहे अभी से इस फंदे को छोड़ दो। ये फंदा तो ठीक है। अभी कहते हो ये सब झूठा है, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब झूठा है। तो झूठे को छोड़ देना चाहिए ना। झूठा खाना अच्छा है या सच्चा खाना अच्छा है? सच्चा खाना है, झूठा क्यों खाना है? अभी छोड़ दो। आप मुए मर गई दुनिया, एक मैं और एक मेरा शिव बाबा, बस हो गया। अभी नहीं उठ के जाना यहां से। बोलो है मंजूर है? ठीक है, अब नहीं जाएंगे ना? जाएंगे नहीं जाएंगे? देखो भाई, देखते रहे ना बैठे बैठे। जगदम्बा ओम राधे के तन में पाठ बजाती थी, बजा रही थी। जगत पिता प्रत्यक्ष नहीं हुआ था ना, आगे बोला थी पापा। ये नहीं बोला, ये बोला कि ओम राधे को जगदम्बा का टाइटल मिला। जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का ओहदा दे दिया जाता है। बाकी 22 प्रिंसिपल कोई प्रिंसिपल नहीं हो जाता। ऐसे ही ये टाइटल मिला प्रजापिता का। टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिला या नहीं मिला? मिला। तो टाइटल मिला या वास्तव में वो प्रजापिता था? टाइटल मिला। 69 में शरीर छोड़ दिया, प्रजा तो अभी जिंदा पड़ी हुई है सारी दुनिया में। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कहते हैं अपन को, उनका पिता है। बाकी सारी दुनिया ब्रह्मा को अपना पिता नहीं मानेगी। सारी दुनिया तो मनुष्य सृष्टि के उसी बीज को प्रजापिता मानेगी जिस बीज के साकार रूप में सारे संसार के सामने भगवान प्रत्यक्ष होगा। भगवान को सारी दुनिया मानती है, ब्रह्मा को सारी दुनिया नहीं मानती। शंकर का एक रूप अर्धनारीश्वर दिखाते हैं। क्यों? इसलिए दिखाते हैं कि शिव बाप जब आते हैं तो शंकर के द्वारा माता पिता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं।
किंतु शंकर तो माता नहीं है। ऐसी अकूत, ऐसी 100% माता की सहन शक्ति शंकर में है, जो उसे माता कहा जा सके। है या नहीं है? नहीं है। शंकर भी माता नहीं है, जिसे जगत पिता कहा जाता है। और जगदम्बा भी माता नहीं है ओरिजिनल। क्या जगदम्बा ने, चाहे बेसिक में नामधारी जगदम्बा हो, चाहे एडवांस बीज रूप आत्माओं की दुनिया में जगदम्बा हो, दोनों नामधारी जगदम्बा में कोई भी ऐसी है जिसने दादा लेखराज ब्रह्मा जैसा सहन शक्ति का पार्ट बजाया हो? बजाया क्या? नहीं बजाया। तो वो ही दादा लेखराज ब्रह्मा जो 100% सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो शंकर के मस्तक में चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाती है। माता के रूप में एडवांस की दुनिया के ब्राह्मणों की पालना कर रही है, या बाप पालना कर रहा है? शंकर पालना करता है या मां पालना करती है? मां पालना करती है। इसलिए एक ही चोले में दोनों आत्माएं विराजमान होकर के पार्ट बजाती हैं, तब कहा जाता है अर्धनारीश्वर। शरीर एक ही है लेकिन एक ही शरीर में माता पिता के रूप में दो आत्माएं पार्ट बजाती हैं। ये ब्राह्मणों की वो संपन्न दुनिया है, एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों की, जो भविष्य में ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। या कि बेसिक वाले सभी ब्राह्मण सो देवता बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे। बेसिक में से सिर्फ 10% वो हैं जो एडवांस में आकर के रुद्रमाला के मणके बनते हैं, और 10% वो हैं चंद्रवंशी जो जीते जी अपने को चंद्रवंश से सूर्यवंश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि राधा चंद्रवंशी, और संगमयुगी सूर्यवंशी कृष्ण के साथ संयोग होने से चंद्रवंशी से बदल कर क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। वो परंपरा आज भी भारतवर्ष में ज्यों की त्यों चली आ रही है। कन्या की जब शादी हो जाती है तो बाप का टाइटल लेकर जाती है या पति का टाइटल मिल जाता है? पति का टाइटल मिल जाता है। और हाँ।
वही बात है, नारियों की भर्त्सना की जाएगी, उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा, तो वहाँ रावण वास करेगा या देवताएं वास करेंगे? रावण वास करेगा। हाँ, वो झाड़ के ऊपर इसीलिए बैठा है। जो राजा होता है वो सबसे ऊंची गद्दी पर बैठता है या नीचे जाकर के बैठता है? है ऊंची गद्दी पर बैठता है ताकि सारे राज्य को कंट्रोल कर सके। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिनके 500-700 करोड़ पत्तों को कंट्रोल करने वाला नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? ऊपर बैठा हुआ है। इसीलिए दिखाया जाता है रावण के सर के ऊपर गधे को दिखाने का, यही कारण है कि रावण के 5 सिर 5 विकारों के सूचक हैं। काम का सिर, क्रोध का सिर, लोभ का सिर, मोह का सिर, अहंकार का सिर, और 5 सिर हैं प्रकृति के 5 तत्वों के सिर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, जड़ बुद्धि है, चैतन्य बुद्धि नहीं है। वो 5 विकार चैतन्य है, जड़त्वमयी बुद्धि वाले नहीं है। तो चैतन्य जड़ को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि रावण ने वायु देवता को, अग्नि देवता को, जल देवता को अपनी पाटी से बांध करके रखा हुआ था। जैसा कि हम अभी देखते भी हैं, वो रावण चारपाई पर पड़े पड़े एक स्विच दबाता है, पूरे शहर में रोशनी हो जाती है। एक स्विच दबाता है, नहरों का पानी बहने लगता है, एक स्विच दबाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति जरूरत पड़े तो एक स्विच दबाएगा, एटम बम फूटने लग पड़ेंगे, आग ही आग हो जाएगी सारी दुनिया में। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठ लिखा है या सच्चा लिखा है? परंतु शास्त्र पढ़ने वालों ने इस बात को ध्यान में नहीं लाया कि ये शास्त्र कलयुग के अंत और सतयुग के आदि की यादगार हैं।
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कोई भगवान नहीं आता है, बस इतनी गलती हो गई जिससे सारे शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ हो गया। तो रावण के पांच सिर पांच विकार और शरीर के पांच तत्व, ये दस सिर मिलकर के रावण बना और रावण के इन दस सिरों को कंट्रोल करने वाला देह अभिमान है। वो देह अभिमान ही गधे के रूप में दिखाया गया है। ये धोबी का गधा है, शिव बाबा है धोबी, और गधा कौन है? जो सारे कपड़ों को गधे की पीठ पर रख करके घाट पर ले जाता है, घाट पर पहुंच करके वो कपड़े धोए जाते हैं। तो रावण है पांच विकार प्लस पांच मंदोदरी के सिर। कैसी उदरी? मंद उदर वाली, मंद पेट वाली। कैसा मंद पेट है? है? ऐसा मंद पेट है कि भगवान के साथ रहती है बरसों, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाती। ये दस सिर हैं जिनको कंट्रोल करने वाला वो गधा है, देह अभिमान रूपी गधा है। और सोया हुआ नहीं दिखाते हैं, वो तो जागृत हुआ पड़ा है और अंगूठा चूसता है। कोई सोते सोते अंगूठा चूसता है क्या? जागता हुआ अंगूठा चूसता है। अंगूठाकार आत्मा और वो मन बुद्धि रूपी आत्मा को चूसता है, माना मनन चिंतन मंथन करता है। वो कृष्ण पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, उसे डर ही नहीं लगता। कितनी ऊंची ऊंची हिलोरें लेने वाले सागर के बीच में मेरी इतनी हल्की नैया पड़ी हुई है, जिस नैया पर कृष्ण आराम से पड़ा हुआ है। कोई चिंता करते हुए दिखाते हैं क्या? रोते हुए दिखाते हैं क्या कि हाय ये नैया पता नहीं कब डूब जावेगी? निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? निश्चय बुद्धि है। ये गर्भमैल की अवस्था दिखाई गई। ज्ञान गर्भ में जब कृष्ण की आत्मा आती है तो गर्भ में आने से पहले उसका कोई रूप था या नहीं था? अरे कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने से पहले उसका कोई नाम रूप होता है या नहीं होता है? होता है। ऐसे ही
पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में पड़ी हुई कृष्ण की आत्मा जब पीपल के पत्ते पर आती है, उससे पहले उसका नाम रूप क्या था? है? जोर से बोलो। दादा लेखराज ब्रह्मा था। वो ब्रह्मा की आयु कितने साल में पूरी होती है? 100 साल में पूरी होती है। वो 100 साल कब पूरे हुए है? ये 88-89 का टाइम ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं। माना ब्रह्मा मृत्युलोक को क्रॉस कर जाता है, तो ब्रह्मा की आत्मा मृत्युलोक में महसूस करती है या पीपल के पत्ते में गर्भ महल में स्वर्ग में अनुभव करती है? है? स्वर्ग में अनुभव करती है। ये रूपक दिखाया है, कवियों की भाषा है, कवियों की भाषा अलंकारिक होती है। विद्वान आचार्यों ने समझा कि कोई स्थूल सागर होगा, स्थूल पत्ता होगा, स्थूल में ऐसे कोई बच्चा पड़ा हुआ होगा। तब नई सृष्टि की शुरुआत हुई। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान से समझने योग्य हैं। और ध्यान से सुनो, सुन पाया कि नहीं आगे वालों ने? महाकाली को मुंड की माला, हाँ, इसका मतलब ये है कि शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। किसके द्वारा? शंकर द्वारा शास्त्र में विनाश गाया हुआ है। ये नहीं कहते महाकाली के द्वारा विनाश, परंतु शंकर खुद करता है क्या या कराता है योग बल से? है? कराता है। शक्तियां ही असुर संहारिणी गाई हुई हैं। उन असुर संहारिणी शक्तियों में जो 9 देवियां 9 धर्म की गाई जाती हैं, वो नंबरवार हैं या एक जैसी है? हिंसक नंबरवार हिंसक हैं। लक्ष्मी को हिंसक कहेंगे या महागौरी को हिंसक कहेंगे या अहिंसक करेंगे? जो जितना ही पवित्र उतना ही अहिंसक पार्ट बजाता है, और जो जन्म जन्मांतर जितना ही अपवित्र पार्ट बजाता है वो उतना ही जास्ती हिंसक हो जाता है। तो 9 देवियों में सबसे जास्ती हिंसक कौन दिखाई गई है? है? महाकाली चंडिका देवी। तो शंकर जी तो सोचते हैं कि मेरा काम तो यही कर रही है,
तो चुपचाप रहना चाहिए या विरोध करना चाहिए? है चुपचाप पड़ा रहता है, कोई विरोध नहीं करता। विरोध न करना ही अच्छा है, काम तो हो रहा है। जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहन करना पड़े या नहीं करना पड़े? है सहन करना होता है। तो ये 9 प्रकार की गैया हैं, जिन गैयों को शास्त्रों में महारानी अथवा पटरानियों के रूप में दिखाया गया है। उन पटरानियों में सबसे जास्ती हिंसक महाकाली को दिखाया गया है। वो महाकाली रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। लास्ट का मणका है या अव्वल नंबर का मणका है? लास्ट नंबर का मणका है। परंतु बाप का काम करने वाला है, ऐसा काम दुनिया में व्यक्तिगत में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकी। कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका। कैसा काम है? अपने अपने धर्म की स्थापना तो सबने की, परंतु अपने धर्म में उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों और दुर्गुणियों पापियों का विनाश कोई ने नहीं किया। और महाकाली क्या करती है? जो काम कोई भी धर्म पिता ने नहीं किया, धर्म पिताओं का जो बाप है, जिसे कहा जाता है बापों का भी बाप, वो भी नहीं करता है। इसीलिए मुरली में बोला है शंकर क्या करता है? क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि से होता है? कर्मेंद्रियों से ही किया जाता है। शंकर के जो चित्र ढेर के ढेर दिखाई गए हैं वो मन बुद्धि से याद की अवस्था में दिखाए गए हैं या कर्म करते हुए दिखाई है? याद में दिखाई। इसलिए वो याद की शक्ति के द्वारा ही वाइब्रेशन के आधार पर शक्तियों से कार्य कराता है। शक्तियों को प्रेरित कर देता है। जैसे कन्या भिखारी होती है या निर्भिखारी होती है? निर्भिखारी होती है, परंतु शादी होने के बाद वो अति का भिखारी कौन बना देता है? है पुरुष बनाता है। प्रेरणा करता है या नहीं करता है? है प्रेरित बन पड़ता है। और विकृति प्रकृति में आ जाती है। यही प्रकृति और पुरुष का खेल है।
जगत पिता है और वो जगत माता है। जगत माता के भी दो रूप हैं, एक महाकाली और एक महागौरी। इसीलिए गीता के भी दो रूप हो गए, और कौन से? सच्ची गीता और झूठी गीता।